हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुर्ती के गले का नेक डिज़ाइन। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आसान नेक डिज़ाइन है। इसके लिए मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है और फ्यूज़ पेपर को फोल्ड कर लिया है। फ्यूज़ पेपर की चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 7 इंच। अब गले की चौड़ाई के लिए हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर और लंबाई के लिए भी मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और इन दोनों निशान को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इसे हम इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने जो राउंड शेप ड्रॉ किया था उसे कट कर लिया है, लेकिन आप पूरी नेक डिज़ाइन की ड्राइंग करने के बाद ही भी इसे कट कर सकते हैं। अब 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं यहाँ नीचे भी मार्किंग कर लूँगी पूरे नेकलाइन में। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बोट नेक कट हो चुका है। अब मैंने एक फैब्रिक लिया है जो इस गले की साइज़ का है और मैंने इसके ऊपर गले को रखकर प्रेस से इसे चिपका लिया है। अब यहाँ पर नीचे की ओर हम कट लगा देंगे, छोटे छोटे कट लगाने हैं हमें। कट लगाने के बाद हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है और ऊपर सिलाई कर लेनी है। तो मैंने इसे नीचे फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब इसे हम मिडल में इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कट लगा लूँगी। अब हमें एक स्ट्रिप लेनी है। मैंने वाइट कलर के फैब्रिक की स्ट्रिप ली है, ये 2 इंच चौड़ी है, और येलो कलर की जो कुर्ती का फैब्रिक है सेम कलर की मैंने स्ट्रिप ली है, ये 3 इंच चौड़ी है, और इन दोनों स्ट्रिप की लंबाई मैंने 1 मीटर के करीब ली है। अब इन वाइट स्ट्रिप को हम येलो स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे और इन दोनों को इस तरह से सिलाई कर लेंगे। साइड में बहुत ही ज़्यादा जगह हमें नहीं छोड़नी है, बस थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए सिलाई करनी है। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और एक छोटी सी पाइपिंग की तरह वाइट जो स्ट्रिप है वो बाहर दिखनी चाहिए और ये जो येलो फैब्रिक है उसके ऊपर हम सिलाई करते हुए यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेंगे। आपको ध्यान से सिलाई करनी है, आपकी सिलाई जो है वो वाइट फैब्रिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये स्ट्रिप को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब दोनों स्ट्रिप को हम इस तरह से सेकंड साइड से भी सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सेंटर है दोनों स्ट्रिप का, वहाँ पर मैं इस तरह से प्लेट लगाते हुए सिलाई कर लूँगी। तो ये हमें इक्वल साइज़ की पूरे में प्लेट लगानी है। अगर आपसे सिंपली प्लेट नहीं आती है तो आप इस तरह से कोई भी टूल्स का इस्तेमाल करके भी प्लेट लगा सकते हैं। तो ये पूरे स्ट्रिप में हमने प्लेट लगा ली है, इस तरह से इसे रेडी कर लिया है। अब जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है साइड में उसे हम कट कर लेंगे। अगर इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर प्लेट बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से और इजीली बन जाती है। अब मैंने कुर्ती का फैब्रिक लिया है, इसे मैंने इस तरह से मिडल में सेंटर लगा लिया है, कट लगाया है सेंटर निकाल के। अब जो हमारा गला रेडी था उसे हमें लेना है और कुर्ती की रॉन्ग साइड हमें ऊपर रखनी है और गला है जो उसकी भी रॉन्ग साइड हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पर ऊपर गले को अटैच कर लेना है। सिलाई करने के बाद मिडल में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि कट लगाते वक्त हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद गले को हम इस तरह से राइट साइड पर पलट लेंगे। अब जो हमने फ्रिल रेडी की थी उसे हमें ये जो गले को हमने पलटा है उसके नीचे इस तरह से सेट करना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए इसे फिक्स कर लेंगे। आपको एकदम हल्के हाथों से पकड़ना है,
फ्रिल को या ऊपर का गले का हिस्सा है उसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी यह खींच जाएगा तो आपके गले में बल पड़ सकते हैं। तो ये मैंने पूरे गले को इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब साइड से भी हम इस तरह से इस फ्रिल को फिक्स कर लेंगे। अब मैंने इस तरह की छोटी सी एक पतली सी लेस ली है। इस तरह की लेस बहुत ही इजीली, बहुत ही सस्ते में मार्केट में मिल जाती हैं और इस लेस को मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। अब जो हमने गले को फोल्ड करते हुए सिलाई की थी वो हमें निकाल लेनी है। सो गाइस, ये हमारे गले की डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान है इसे बनाना और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, एलिगेंट दिखती है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।